हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे उन साइंस के बारे में जो हर बच्चे में देखने में नज़र आ सकते हैं आपको, चाहे आप मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की बात करें या मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के अलावा बात करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि डिसकैलकुलिया के जो लक्षण हैं वो आपको सिर्फ मैथमेटिक्स में नज़र आएँ या सिर्फ मैथमेटिक्स टीचर को पता चले कि इन बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदर टीचिंग सब्जेक्ट दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई डिसकैलकुलिया। कैसे बाकी चीज़ों को कैसे पता चलता है? कॉमन चीज़ें, कुछ कॉमन चीज़ें हमने बात कर ली उसके बारे में कि काउंटिंग और कैलकुलेशन में उसको दिक्कत आती है। उसके साथ साथ डिसकैलकुलिया के बच्चों में हमने ये पढ़ा, सीखा कि इनको स्टेप्स को जानने में प्रॉब्लम आती है। अब स्टेप्स और कहाँ कहाँ पर होते हैं, जैसे मान लीजिए आप बच्चे को कोई मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, कराटे सिखा रहे हैं या कोई आप कोई और कोई ऐसा कोई गेम सिखा रहे हैं, उसमें भी कई स्टेप्स होते हैं। या फिजिकल एक्सरसाइज करा रहे हैं, जैसे PTA जो एक्सरसाइज कराते हैं उसमें भी कई स्टेप्स होते हैं। एक सीक्वेंस होता है, आपने 1 पे ऐसे करना है, 2 पे ऐसे करना है, इस तरह सिखाते हैं ना हम बच्चे को। तो इन बच्चों को वो सीक्वेंस याद करने में दिक्कत आती है। आप डांस में भी स्टेप्स होते हैं तो बार बार ये अपने स्टेप्स को भूल जाते हैं। तो इससे भी डांस टीचर को या फिजिकल एजुकेशन के टीचर को भी इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आप ये मत सोचिए कि डिसकैलकुलिया की जो जानकारी है वो सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए ज़रूरी है। ये प्रॉब्लम बाकी जगह पे, बाकी जो टीचिंग लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं हमारे या लाइफ के बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी आपको इसके जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आएंगे। सिमिलरली म्यूज़िक में क्या होता है, बच्चे को आप एक स्किल आप डेवलप करते हैं। म्यूज़िक इज़ ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, तो आप स्किल डेवलप करते हैं बच्चे का यूजिंग सर्टन कीज़। ये बच्चे उसको करने में उनको दिक्कत आती है। बाकी बच्चे शायद उस स्किल को जल्दी मास्टर कर दें, लेकिन ये बच्चे जो हैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में भी आप देखेंगे कि ये बार बार इनको प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। दे आर स्लो एट इट। और जैसे गेम्स का जो है, जिसमें हम गेम्स के स्कोर याद करते हैं, जैसे आप कोई भी मैच देखते हैं तो आमतौर पे बच्चे जब आप किसी गेम को देखते हैं तो आपको याद रहता है कि ए टीम के इतने स्कोर थे, बी टीम के इतना स्कोर थे। फिर अगला गोल होता है तो आप उसमें एक ऐड कर लेते हैं, आपको याद रहता है ये टीम आगे है, ये टीम पीछे है। लेकिन इन बच्चों को वो स्कोर लर्न करने में या याद रखने में ये भूल जाते हैं कि ए टीम आगे थी, अब ए का गोल हुआ है तो अब ए आगे हो गई है या पीछे हो गई या बराबर हो गए हैं। तो इन चीज़ों को भी उनको याद करने में दिक्कत आती है। अनदर एक कि जैसे आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, हम किसी पिक्चर को देख के उसके ऊपर अगर कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका बड़ा कॉमन एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे आपका टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल में एक पीरियड नंबर होता है और उसमें कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा रहता है कि ये पीरियड इस चीज़ का है। तो आमतौर पर क्योंकि एक ही तरह का टाइम टेबल बार बार यूज़ हो रहा है, रोज़ उसी टाइम टेबल के अनुसार जो उसी सीक्वेंस में आपके वो पीरियड आ रहे हैं तो बच्चे उसको याद कर लेते हैं, याद हो जाते हैं उनको कि अभी ये हमारा हिंदी का पीरियड था, अब ये हमारा गेम्स के बाद वाला पीरियड ये इस चीज़ का होता है। इन बच्चों को वो चीज़ें याद करने में दिक्कत हो सकती है, भूल जाते हैं, ये नहीं इसको ध्यान में नहीं रख पाते कि पहला पीरियड किस चीज़ का होता है, दूसरा किस चीज़ का होता है, इसके बाद कौन सा आएगा, है ना। इससे आपको जानकारी मिल सकती है। सिमिलरली ज्योग्राफी का टीचर जो है वो इसको लोकेट कर सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी में भी लोकेशंस सीक्वेंसेस आप यूज़ करते हो, तो उसमें भी आप देखेंगे कि बच्चे आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात करोगे या आप ये कंट्री इस डिग्री पे है, ये बच्चे दे आर नॉट एबल टू नो दिस, है ना। तो जहाँ जहाँ पर मैथमेटिक्स की जो हमने जो डिसेबिलिटी पढ़ी उसके साथ साथ हमको क्या पता चल रहा है कि वो जो डिसेबिलिटी है वो सिर्फ मैथ से रिलेटेड नहीं है। ये नहीं कि वो मैथमेटिक्स में वो डिसेबिलिटी है, बाकी जगह पे प्रॉब्लम ही है। अगर उनको प्रोसेसेस लर्न करने में प्रॉब्लम है तो प्रोसेस जहाँ पर भी प्रोसेस आएगा वहाँ उनका प्रॉब्लम आएगी। स्टेप्स लर्न करने में अगर मुश्किल आती है तो जहाँ पर भी स्टेप्स होंगे आप देखोगे दे आर नॉट एबल टू लर्न द स्टेप्स,
सीक्वेंसेस याद नहीं कर पा रहे, सिंबल याद नहीं कर रहे। सिंबल सिर्फ मैथ्स में ही थोड़े होते हैं, म्यूजिक के भी सिंबल्स होते हैं, केमिस्ट्री के भी सिंबल्स होते हैं, है ना, केमिकल इक्वेशंस हैं। आपको वो नहीं कर पाएगा बच्चा, उसको वहाँ पर दिक्कत। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बच्चों की जो आइडेंटिफिकेशन है वो आप सिर्फ मैथ टीचर पे मत छोड़िए, ये मत सोचो कि मैथ टीचर ही आइडेंटिफाई करे, बाकी टीचर भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके सिवा जनरल लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है कि ये बच्चों की चीज़ें बहुत खो जाती हैं। अब चीज़ें खो जाने का इस चीज़ से क्या ताल्लुक हो सकता है? इस चीज़ का ताल्लुक है, हर बच्चे के पास एक प्रोसेस होता है कि हमने वापस आना है, चाबी यहाँ रखनी है, अपनी बैग यहाँ रखना है, हमने अपनी वाटर बॉटल यहाँ रखनी है। उनका एक एक सीक्वेंस बना होता है। आमतौर पे हम देखेंगे हमारी लाइफ में ये सीक्वेंस बने होते हैं, ये बच्चे उस सीक्वेंस को भूल जाते हैं, है ना। आमतौर पे बच्चा आता है घर के अंदर, आता है उसको पता होता है मैंने आके यहाँ जूते उतार के यहाँ रखने हैं, फिर मैंने बैग यहाँ पर रखना है, फिर मैंने ये काम करना है, फिर मैंने ये काम करना है। उसको कुछ कॉमन कुछ उसका एक पैटर्न होता है। बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस पैटर्न, सो क्या होगा, कभी चाबी जहाँ रखनी होगी वहाँ पर जूते उतार देगा, जहाँ पर जूते उतारने हैं वहाँ पर वो बैग रख देगा। तो दे आर नॉट एबल टू लर्न द प्रोसेस, राइट, सिस्टम को, उस सीक्वेंस को लर्न नहीं कर पाते। फिर इन चीज़ों में, इन बच्चों में आप क्या देखेंगे कि इनको टाइम को रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है। कैसे? जैसे आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि आपको, आप ये इस काम को कर लोगे, कितनी देर में कर लोगे, दे आर नॉट एबल टू इमेजिन द टाइम एंड टेल यू कि ये उस काम को करने में उनको 15 मिनट लगेंगे या आधा घंटा लगेगा या 30 मिनट लगेंगे या कितना उनको समय लगने वाला, दे आर नॉट एबल टू कीप द ट्रैक ऑफ टाइम, बता नहीं पाते ये, क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स है दैट इज़ नॉट क्लियर। फिर आप उनको कहेंगे अपना शेड्यूल बताओ, जैसे अभी हमने टाइम टेबल की बात करी थी तो वो भी एक तरह का शेड्यूल है। आप उनको कहोगे कि आप इसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, पहले आप घर जाओगे, मैथ का काम करोगे, फिर इंग्लिश का करोगे, फिर खाना खाओगे, फिर खेलने जाओगे, तो ये एक तरह का एक शेड्यूल है। दे आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस। अब क्योंकि ये टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं रख पाते, इसलिए आप इनको कहोगे 15 मिनट में ये यहाँ पर आ जाना, 15-20 मिनट में आपने ये काम करना है, तो दे विल नॉट बी एबल टू कीप द अपॉइंटमेंट्स ऑल्सो, राइट। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये उस समय सीमा के दौरान उस काम को कर लेंगे या समय का जो उसका जो सीक्वेंस है उसको ये मेमोराइज कर पाए। दे आर पुअर विद मैनेजमेंट ऑफ देयर मनी, पैसा करेंसी जो है दैट इज़ ऑल्सो एडिंग, कितने रुपए की कितनी चीज़ आएगी और आपको कितने पैसे देने हैं, आपने किसी को 50 रुपीज़ का नोट आपने दिया है, 15 रुपए खर्च किए हैं, बाकी कितने आने हैं। अब ये एक मेंटल मैथमेटिक्स का काम है। दिस चिल्ड्रन दे आर नॉट एबल टू डू दिस। फिर क्योंकि इनको डायरेक्शंस का सही ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए ये बड़ी आसानी से खो जाते हैं, दे गेट लॉस्ट। वाई? क्योंकि आप ऐसे बच्चे को बताएंगे इधर से जाना, सीधे जाना, फिर उधर को मुड़ जाना, फिर वहाँ से इधर को चले जाना, दे विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज दिस डायरेक्शन। सो डेफिनेटली इफ दे आर नॉट एबल टू मेमोराइज, पॉसिबिलिटी है कि आप उनको कहेंगे सीधे हाथ मुड़ना, वो उल्टे हाथ मुड़ गया, या आपने कहा था तीन घर छोड़ के मुड़ना, वो दो घर बाद वाली गली में मुड़ गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है। बड़ा कॉमन एग्जांपल भी हम देखते हैं इसमें कि ये बच्चे, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम उसमें बाद में टिप छोड़ते हैं, तो आमतौर पर टिप कितना होता है? 5% होता है आपके बिल का, 2% होता है, इससे ज़्यादा टिप नहीं हम छोड़ते। लेकिन अब ये परसेंटेज निकालना इनके बस की नहीं होती है, तो दे विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट कि कितना मेरा बिल आया और मैंने कितनी टिप छोड़नी है। दे आर नॉट स्मार्ट विद द नंबर्स इन दैट वे। और इन बच्चों को लोगों के नाम याद रखने में भी दिक्कत आती है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिससे पेरेंट्स और बाकी सब्जेक्ट के टीचर वो भी डिसकैलकुलिया के बच्चों को पहचान सकते हैं, नॉट ओनली मैथमेटिक्स टीचर। तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ मैथ टीचर ही देखेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं बच्चे के, आप नेबर्स हैं, आप बच्चे के साथ आपका किसी भी तरह का ताल्लुक है, अगर इन सब कामों में बच्चे को आपको लगता है कि ये कुछ नॉर्मल से कुछ ज़्यादा है,
है ना, ये नहीं कि आप कहें कि बच्चे के 4 सवाल गलत हो गए तो उसको डिसकैलकुलिया है, या बच्चा आपको ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सही तरह से नहीं सुना पाए तो आप उसको लेबल कर दें। अगर ये सभी करैक्टरिस्टिक या कुछ कारण जो हमने अभी बात करी, अगर आपको लगे कि ये नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में अलार्मिंगली ज़्यादा है, या बहुत सारे सिम्टम्स आप देखते हैं एक ही बच्चे में बार बार आप उनको नोटिस करते हैं, देन यू मस्ट गेट द चाइल्ड टेस्टेड फॉर डिसकैलकुलिया। अब टेस्टिंग की बात आ जाती है जो, तो डिसकैलकुलिया के कई सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हम कह सकते हैं, विच आर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, है ना। तो ये बहुत सारे टेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये सभी जो टेस्ट हैं दे कम विद द मैनुअल। तो ऐसा है कि आप उसको एज ए पेरेंट तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, या एज ए टीचर भी मैं हर टीचर को नहीं कह सकती कि आप अपने लेवल पर आप इसको टेस्टिंग करें, लेकिन सच टेस्ट आर अवेलेबल, यानी हेल्प इज अवेलेबल, हेल्प इज अवेलेबल। हेल्प आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर ये मानना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो प्रोबेबली प्रॉब्लम है, फिर उसको इग्नोर नहीं करिए। फिर आप उसको इग्नोर करेंगे, यू कांट शट योर आइज टू द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। आप बच्चे की प्रॉब्लम को जान के भी आप उससे अनजान नहीं बनिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को ये समस्या है, देन यू मस्ट गेट हिम टेस्टेड, राइट। सो इन बिग सिटीज ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू फाइंड द हेल्प, और अगर आप जितना हो सके आप उसको आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करने के बाद देन यू विल बी एबल टू अर्न, बिकॉज हमने देखा है कि कई अलग तरह के भी, अलग अलग तरह के डिसकैलकुलिया भी हो सकते हैं, तो आप आइडेंटिफाई करवा के देन यू कैन गो इन फॉर प्रॉपर हेल्प, ओके। सो देयर आर सर्टन मेडिकल टेस्ट अवेलेबल फॉर दिस, विच बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी सिवेरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दे विल बी कंटेनिंग सम मैथमेटिकल टेस्ट आर देयर, जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करे जाते हैं, उसका एक मैनुअल है, उसके अनुसार किया जाता है, और इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट। तो उसके द्वारा आप अगर डिसकैलकुलिया है ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह का है ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी सिवेरिटी कितनी है यानी वो कितना किस हद तक है इसको भी आप जांच सकते हैं, और उसके बाद आप बच्चे की हेल्प भी कर सकते हैं। अब ये जो बात है जो मैंने कही, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो अभी हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम अपने छोटे छोटे एफर्ट से भी इन बच्चों को मदद कर सकते हैं, राइट। सो इफ़ यू रीड अबाउट दीज ऑल दीज थिंग्स, आप खुद जानकारी लें इन चीज़ों के बारे में, तो आपको और आपके बच्चों को इसका ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप दैट वी विल बी एबल टू हेल्प दिस चिल्ड्रन बाय आर एफर्ट्स। थैंक यू।